बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की व्लॉग में आपको वेलकम करते हैं दोस्तों। तो आज जो है वो बहुत खुशी का दिन है। आज मैं बहुत खुश हूँ। वजह यह है कि आज मेरे जो है वो 7000 सब्सक्राइबर जो कंप्लीट हो गए हैं। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आप दोस्तों ने मेरी बहुत सपोर्ट की है। तो आज जाके मेरे 7000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं। इसी तरह आप लोगों ने मेरा साथ देना है। तो मेरा टारगेट जो है वो 10K सब्सक्राइबर का टारगेट है। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द पूरा कर लेंगे। ये छोटे छोटे स्टेप हैं दोस्तों। पहले 8000 होंगे, इंशाल्लाह 8K हो जाएंगे, फिर 9K, इंशाल्लाह 10K का भी टारगेट है। उसके बाद 100K भी होंगे। वो बहुत दूर की बात है, अभी इतना दूर का मैंने नहीं सोचा। 10K हो जाए, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। तो दोस्तों आज की खुशी में जो है मैं अपने बर्ड्स को जो है वो उनकी ट्रीट करवाना चाह रहा हूँ। माशाल्लाह से मेरे 7K जो है वो सब्सक्राइबर कम्प्लीट हुए। तो आज मैं अपने जो बर्ड्स हैं उनको अंडा बॉईल करके खिलाऊंगा। माशाल्लाह बहुत शौक से खाते हैं, तो मेरे पास बहुत सारे अंडे थे, तो मैं अंडे इनको जो है बॉईल करके वो खिलाने वाला। इसके अलावा दोस्तों आज मुझे एक सेटअप पे जाना था वीडियो शूट के लिए, चिकन सेटअप के ऊपर, लेकिन आज मैं जा नहीं सका। वजह ये बनी कि कराची में जो रहने वाले हैं उनको अंदाज़ा होगा कि यहाँ वक्फे वक्फे से जो है वो बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से मैं सेटअप पर उनके विजिट नहीं कर सका। वरना मैं आज एक सेटअप की वीडियो अपलोड करता। इंशाल्लाह मैंने उनको नेक्स्ट वीक का टाइम दिया है, नेक्स्ट वीक चलेंगे उनके सेटअप पे और वीडियो शूट करेंगे। इसके अलावा दोस्तों को एक और सवाल था, वो भी सवाल का मैं जवाब देता हूँ। दोस्त पूछते हैं कि आपके चैनल का नाम जो है वो अजीब सा है, कुछ सुसेक्स फैंसी पोल्ट्री के नाम से। सुसेक्स जो ये किसका नाम है? उन दोस्तों को थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट था इस हवाले से। तो मैं बता दूँ कि सुसेक्स जो है ये एक मुर्गियों की एक फैंसी ब्रीड का नाम है, जो कि अपना उसका ऑरिजन जो है वो सुसेक्स कंट्री है। एक जहाँ जैसे आपने देखा होगा सर काउंटी क्रिकेट के अंदर, जिसमें मोहम्मद रिजवान भी खेलता है, वो सुसेक्स ही है, एसेक्स के नाम से वो। तो उसके नाम से ये ब्रीड है और उसी ब्रीड के नाम पे मेरा चैनल भी है। तो दोस्तों को जो क्यूरी थी उसका ये आंसर है। तो चलिए बाकी ये अब मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे सेटअप पे। सेटअप की क्या सूरत हाल है? सेटअप पर तो बहुत बुरा हाल है, दिल भी नहीं चाहता है सेटअप पर विजिट करने का, सेटअप पर जाने का मेरे अपने, क्योंकि यहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा हो गई है और डिले होती जा रही है। आज जुम्मे का दिन भी है और मैंने इतवार को दोबारा सोचा था, लेकिन आज भी जो है वो सफाई मैं इनकी नहीं कर सका। अब देखें कब सफाई होती है इनकी। इसके अलावा आज अंडा दिया था इन्होंने, तो अंडा उठा के मैंने रख लिया अपने पास। माशाल्लाह अंडे दे रहे हैं, अंडे सही से दे रहे हैं बिल्कुल। मैं वहाँ से लाइट सुसेक्स भी दिखा देता हूँ आपको। तो अभी चलते हैं, इनके लिए अंडे ही ले आते हैं और अंडों इनके जो है वो बॉयल करके देते हैं। अंडे माशाल्लाह बहुत शौक से खाते हैं। यहाँ पर क्या सूरत हाल है वो भी देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी कोई आज अंडा नहीं आया। एक मुर्गी बैठी थी लेकिन उसने भी अंडा आज नहीं दिया। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब साइड चल रहा है यहाँ पर। माशाल्लाह से ये तैयार हो रहे हैं, काफी बड़े बड़े हो गए अब तो ये। इंशाल्लाह इस सीजन के अंदर ये ब्रीडर रेडी हो जाएंगे अगर मेरे पास रहे, वरना अगर सेल हो गए तो किसी और के पास इंशाल्लाह ये ब्रीड करेंगे। तो चलिए दोस्तों नीचे चलते हैं, अंडे इनके लिए पहले बॉईल कर लेते हैं, उसके बाद जो है इनको लाके खिलाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा माशाल्लाह कितने शौक से ये जो है वो अंडे खाते हैं। अंडे इनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, प्रोटीन की बहुत बड़ा सोर्स है अंडे खिलाना। जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, यानी जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं, जो चिक्स निकलते हैं, हम उनको भी ये खिलाते हैं ताकि उनसे उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो दोस्तों अंडे उबल चुके हैं और मैं ऊपर लेके आ गया हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखें माशाल्लाह अंडे जो है वो उबल के मैं लेके आ गया हूँ। अब मैं इनको डाल देता हूँ मुर्गियों को। इसके साथ साथ जो इसके छिलके थे वो भी मैं लेके आ गया हूँ। कैल्शियम का बहुत बड़ा सोर्स होता है, इसको सबसे पहले मैं ड्राई कर लूँगा, धूप में रख दूंगा 2 दिन के लिए, सूख जाएंगे, फिर इसके बाद मैं इनको दूंगा। चलिए पहले अभी इनको ये छिलके देते हैं। माशाल्लाह से देखेंगे आप, बहुत शौक से खाते हैं ये। आपको दे के दिखाता हूँ।
मैं प्लेट को यहाँ रखता हूँ, इसके बाद में आपको लेके दिखाता हूँ। देख सब पागल हो चुके हैं। थोड़ा थोड़ा करके मैं सबको दे दूंगा, पेमेंट उड़ा लेता हूँ। चलिए इनको डालते हैं, माशाल्लाह ये देखते हैं कि कैसे खाते हैं। उन्होंने तो बहुत शौक से खा लिया, सब साफ कर दिया, देख रहे हो माशाल्लाह कितने शौक से खाते हैं। ये आप देखें, वो सब पागल हो चुके हैं। ये भी सबको थोड़ा थोड़ा डालते हैं। देख रहे होंगे माशाल्लाह कितना शौक से ये खाते हैं अंडे को, इनके लिए बहुत फायदेमंद भी है और शौक से ये बहुत खाते हैं। इनको मैं यहीं से ऊपर से दे देता हूँ। देखा आपने माशाल्लाह कितने शौक से खाते हैं ये, और इनकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। क्योंकि अभी थोड़ा सा बारिशों का मौसम भी हुआ है, तो रात के टाइम मौसम थोड़ा ठंडा रहता है, तो इसमें ये है कि आप अपने बर्ड्स को ये दे सकते हैं। वरना गर्मियों में ये होता है कि ये थोड़ा अंडा गर्म होता है, तो हम अपने बर्ड्स को इसलिए देते ताकि वो उनको गर्मी ना लगे। तो वैसे सर्दियों के मौसम में तो दे सकते हैं, और जब ठंडा मौसम हो उसको कंडीशन में भी दे सकते हैं। तो अभी गर्मियाँ दिन में हैं, रात में थोड़ा ठंडा मौसम रहता है। अभी शाम हो गई है, इंशाल्लाह ये रात तक इनको जो ये गर्मी देगा। प्लेट मसाला बिल्कुल साफ कर चुके हैं, ये देख रहे हैं बिल्कुल प्लेट साफ हो चुकी है यहाँ पर। अब ये खाली प्लेट में जब मैं इनको जाके दूंगा तो आप देखेंगे। खाली प्लेट को भी चाट लेंगे बिल्कुल। देख रहे हैं माशाल्लाह कितना शौक से खाते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि माशाल्लाह कितने शौक से मेरे बर्ड्स जो है वो अंडा खाते हैं। आज की जो है वो 7000 सब्सक्राइबर की खुशी में आज इनको मैंने अंडा खिलाया है। बाकी ये रही मजाक की बात, तो मेरे पास जो अनफर्टाइल अंडे थे, मैंने उन वो जो बचे हुए थे मेरे पास अंडे, उनको मैंने बॉयल करके खिला दिया, वो वेस्ट भी नहीं हुए और इनकी अपनी खुराक भी तैयार हो गई। बाकी दोस्तों आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आज मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे 7000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में 10000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाएंगे। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, आज की वीडियो में दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।